और वो तंत्र नाई और पंडित जी को दे दिया वाले चले नाई और ब्राह्मण चंदेरी के लिए वहां कुर्तन को सर पहुंच गए चंदेरी में। और जो संस्था में देखा गया पंडित जी कहां से आए, बोले हम कुर्तनपुर से आए। अच्छा बैठो, बात तो हमारी बहन रहती है, हमारी बहन ही रहती है, सब ठीक है ना? बोले हाँ। हम तुम्हें बता देना चाहते ससुराल, तुम्हारे बहनोई में हमें भेजा। क्यों? बोले हम तुम्हें बता रहे ससुराल, तुम्हारे बहनोई अपनी बहन की शादी करिए, तुम्हें चुना है अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससुराल? और जो ससुराल ने जय बात सुनी रुक्मिणी से शादी, बहन की लंग से शादी, और तुम हमसे पूछ रहे हमारा क्या विचार है? पंडित जी हमारा विचार तो यह है कि भगवान करे हमारी जैसे बहनों की समताओं को मेरे हमें तैयार है भगवान तैयार। जब खत खोल के पढ़ा तो कन्हैया का नाम पढ़ते पढ़ते उसका दिल दबने लगा। पेपर में ये क्या दिया कन्हैया का, और कन्हैया का शादी कैसे होगी? बाद में सोचा होगी क्यों नहीं होगी, जो हमारे बहनोई ने शादी की तारीख निश्चित करके भेजे उस तारीख को जाएंगे, शादी से 15 दिन पहले जाएंगे, शादी करके लौट जाएंगे, बाद में कन्हैया या चला जाएगा। पंडित जी हम तैयार हुए बहुत बढ़िया, अपने नौसी के लड़का दंत मंत्र को इशारा दिया था फाट सजा, इधर दंत मंत्र फाट सजाने में लगा। वहां कैसे फाट सजी ससुराल की, कभी कहता कुछ और को बुला ला, गीत गा। भाभी बोली कहीं खुशी, बोले दूल्हा बोला हम शादी करने जा रहे हैं। भाभी बोली पागल, अरे ना तो कम से लगो ना आए, ना कम से टीका आओ, ना शादी वाले आए, सीधे सीधे दूल्हा बन के जिसके घर पे जाओगे ससुराल। ससुराल बोला पागल हम नहीं पागल तुम आओ, तुमको जानती हमारे बहनों साथ कितनी अच्छी आदत है। हाँ हाँ उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए हमें चुना है, अर्थात मैं अपनी बहन की नंद से शादी करने जा रहा हूं। भाभी और पागल क्या कह रहे हो, बहन की नंद? अरे पोतो तुम्हारे पूजनीय है देवी, देवी ससुराल वाला ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी कर दो। तो दूल्हा बना दो चार लड़कियां बुलाए गए भागी और दूल्हा बनाने लगे, और जो दूल्हा बनाया तो इसे अश्वम और तुम्हें माँ अश्वम क्या कस्ता बनी ससुराल की, क्या
हो गई, पता से पैर फिसल गया, ससुराल गिरे। और जो ससुराल गिरे, एक लड़की गीत गाना तो भूल गई और बीच में हंसने लगी, और जो लड़की को हंसता हुआ देखा ससुराल को गुस्सा गया, काय पासी, अरे तेरे तो क्या होगा, बाप लोग तो गिरते ही रहते गीत गा, क्या रही गीत गा। हमने ये सुना है माँ द्वारकाधीश का नहीं आए हैं, अगर वो आएंगे तो तुम उनसे लड़के जीत नहीं पाओगे, बड़ा बदनामी होगी, इसलिए तुम किसी दूसरे लड़के से शादी कर लेना। माने ससुराल बोला तो मैंने देखी नहीं, मैंने देखी हमारी बहन की नंद है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अंधेरे में बैठा लो तो दीप जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरे चमक जाएंगे। बोले हाँ लावना तो देखती रह जा, एक बात बता दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं। एक लड़की बोली कोई कमी नहीं, सर पे मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, मगर मोहर की ओर ये देखते तो लगता है हमें काजल नहीं लगा। ससुराल जो ये बात कही तो भारी पे तोड़ पड़ा, कभी छोटी तो नहीं अब भाभी काजल लगाए रही है, समझा रही है, मान जाओ ससुराल मान नहीं जा हुआ ऐसा। भारी बोली तो बता देते होगी तुम्हारी तो सुने भाभी के बैन उठी है तन में ज्वाला, और मेरे का कर सके नंद को लाला, चिंता नहीं करो भाभी चाहूंगा और चाहूंगा तो दुल्हन लेते ही जाऊंगा, भैया रहो अभी गए हो भैया, और चल भी ससुराल को मारा और दूल्हे का श्रृंगार करके चला। I'm gonna make it.
फौज ने पलाव डाल दिया। भक्तजनों, भीष्मक ने सुना कि ससुराल बारात लेके आ गया, वो आंखों से पट्टी बांध करके घर पे गिर गए। इस कमीन ने हमें मौत दिखाने के लायक नहीं थी। और जब पुत्र ने सुना कि सारे साहब आ गए, बहुत खुश होगा, कार्यकर्ताओं से चिल्लाने लगा, खड़े खड़े मौके का देख रहे तुम लोग, सेवा करो, इतनी सेवा करो, किसी भी चीज की कमी ना हो पाए। जरा जरा सी बातों पे नाराज हो जाता है, साला है, हमें मालूम है। बहुत खुश होगा। और धन का कोई नहीं सुना कि हमारे कन्हैया के बीच में मेरा भैया बीमार हो गया, ऐसा करेगा प्रदर्शन लगा है जो कभी से नहीं कर सके। और पछाड़ खा के गरीब श्याम, मैंने हमेशा से तुम्हें अपना पति माना है, मेरे हमेशा से अपना पति मान के तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, मगर मेरा भैया बीमार बन गया। रोने लगी रुक मेरी बोली कीर्तन बेतकारी श्याम, अरे कन्हैया को मैं तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रहूं। मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना मुरलीधर, मगर मेरा भैया हम दोनों के बीच में विवाद बन गया। ये 100 रुपए तहार हमारे करीब आया है, दीपक ये घड़ी भीतरी के रहने वाले हैं, और 50 रुपए की माला शिवलाल ये भीतरपुर के रहने वाले हैं, और 100 रुपए तहार सतीश ये मनोना, और 50 रुपए ये कहरी सीन ये जेता में, और 50 रुपए की माला रघुवर दयाल जेता में, और 50 रुपया भूरे सिंह ये भी जेता में, उनकी तरफ से आए हैं। लिखा है कीर्तन के बारे में, चलो अभी सुनूंगा थोड़ी देर में, इंतजार कीजिए, इंतजार बहुत जरूरी है। Thank you.
अक्ष मार्ग वहां रुक्मिणी की सहेलियां पूछी, क्या बात है रुक्मिणी, बड़ी हैरान हो रही है, अरे तुम्हारी तो शादी है और वो भी ससुराल के साथ, बहुत बड़ा राजा है तेरी तो किस्मत बनी हुई। रुक्मिणी कहने लगी है, सुनो बहनों, मैं ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। बातों पे उधर रो रही है, अक्षमार तो वहां एक ब्राह्मण देवता का नाम था, आवाज लगाई रुक्मिणी, वे सारा रोती रुक्मिणी द्वार पे पहुंची, ब्राह्मण देव आज यहां तुम्हें भीतरी नहीं मिले, हमने तो ये सुना है कल परसों तेरी शादी और ऐसे खुशी के अवसर पर हमें भीतरी नहीं। कहने लगी पंडित जी, शादी नहीं, मेरे जीवन की बर्बादी है, मत रहा, मैं तो कन्हैया से शादी करना चाहती। पंडित जी बोले, कन्हैया? अरे कन्हैया को तूने कर देखा? बोली पंडित जी, मैंने खूब देखा है। कहा देखा? अरे जब वो यहाँ कभी आए नहीं, वो तूने कहा देख लिया? जवाब दिया ब्राह्मण ने, मैंने खूब देखा है। कहा देखा है? भगवान ने मुझसे ये कहा था कि जब ससुराल बारात लेके आ जाए तो तुम हमारे पास खत भेज देना। पंडित जी बोले, फिर काहे को मरी जाएंगे? अरे खत तो भेज ही दिया होगा, चलेगा। कहने लगी ब्राह्मण देव, किसके हाथ से खत भेजो? जिसका सारा लेती हूं वो सारा छूट जाता है। एक काम करो, तुम हमारे खत को लेकर के द्वारिका में चले जाओ। और जो पंडित जी ने बात सुनी, पंडित जी पीछे के बोले, हम तो पहुंचे, अरे द्वारिका तो यहां है ना, हमको रास्ता भी कर आएंगे भैया, हमारे ऊपर बुढ़ापा है, हम पैदल नहीं चल पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। कहने लगी ब्राह्मण देव, और आप नहीं जाओगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मगर ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। तो पंडित जी को तरस आ गया, बोले कोई बात नहीं, लिख दे, लिख दे, पहुंचेगे तो पहुंचेगे और ना पहुंचेगे तो पहुंचेगे, रास्ता भी बन गए तो भी भगवान के पास पहुंचना है। लिखो अब वो रुक्मिणी खत लिखने लगे, ये 200 रुपया शक्ति यादव, ये ग्राम नंगला कंधोली एकता के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं, लिखा है सुनना चाहते हैं एक होली जीन सके मतवादी दुनिया। चलो अभी देखेंगे थोड़ी देर में, और आप तो सुना के जाएंगे,
उधर रुक्मिणी भगवान को खत लिखने लगी है बाहर, श्याम सुंदर मैंने बचपन से तुम्हारा ध्यान किया है मुरलीधर, मगर मेरा भैया हम दोनों के बीच में दीवार बन गया घनश्याम। मेरी दशा वो है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है मुरलीधर, वो दशा बनी है जैसे दांतों के बीच में जीभ होती लेकिन लगी है रुक्मिणी। मगर संस्कार के साथ हर के तो उसकी दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। और वो खत बूढ़े से पन्न जी को दे दिया, चले ब्राह्मण देता खत लेके कुंडन पड़ और द्वारका के लिए जा रहे भगवान के पास पन्न जी। दो चार कोस और निकल गए ब्राह्मण देव, अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया पंडित जी, बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। देखा पंडित ने बड़ा सुंदर बगीचा है, उस बाग में सोचा ना थोड़ा आराम करते हैं तो चलते हैं। थोड़ी देर के बाद पंडित जी जो थे वो मासूम,
बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया भक्त, और देखो बुढ़ापे में पैदल ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं, शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, और बुढ़ापे में सब नमन करने लगते, सब होकर दे जाते, सब इतकारी व्यवहारी परिवारी रिश्तेदारी घरवारी सारी सब छोड़ देते, बुढ़ापे में कोई नहीं बनता। एक विद्वान कह रहा है, आए वो बुढ़ापो तो कसारे पड़ जाएंगे, आए वो बुढ़ापो तो कसारे पड़ जाएंगे, ले तो तुम्हें खटिया की पार्टी में रहे वो हाथ तो चल तुम्हें रखिया के नाले पड़ जाएंगे, वो दिन तेरी जिंदगी नहीं आई। बुढ़ापे बड़ा कष्ट महसूस होता है भक्तजन, प्रकृति की बनाई हुई दो चीजें ऐसी हैं जो हर आदमी को बड़ा प्यार करती है। दो चीज कौन सी? दो चीज, एक मौत और एक बुढ़ापा। मौत और बुढ़ापा तुम्हें दोनों को भूलना, मगर ये तुम्हें नहीं भूलने दिए, जानते कौन कौन से गांव में कौन से मोहल्ला में कौन सी गली में कौन से घर में बिना बुलाया आते तो छोड़ के जाते नहीं, अपने साथ ही ले जाते, चलो मौत और बुढ़ापा। और इन बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद लाए, देखे गए टाई कराए मकान बुढ़े भरे तेजे, पर पिछाई खरीदना छोटी मौत से बुढ़ापे से। भगवान ने हर आदमी के पीछे तीन पन लगाए, तीन पन कौन से? तीन पन, बचपन जवानी और वृद्धापन। ये बचपन तो गुजरता है ना समझी, हम कुछ जानते नहीं, करने लायक है वो भी कर देते, नहीं करने लायक है वो भी कर देते। और बुढ़ापा गुजरता है मजबूरी में, मजबूरी में हम जानते तो सब कुछ है पर शरीर काम नहीं करता, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। और जो बीच वाला पन होता है जिसे कहते जवानी, जवानी जवानी ने कभी सुख से सोने नहीं दिया। जवानी एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, कितनी गड़बड़ मचाई बोले जवानी, एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, जो कुछ जीवन में करी कमाई वो सब बच्ची बच्चों ने जवानी जाएगी और जाकर गई बाद में कहीं भी ना गई, सो गई छोड़ी गई जय जी मालूम पड़ा कब आई और कब चली गई। बनने का बिगड़ने का आदमी को जिंदगी में एक बार मौका मिलता है, बनने का और बिगड़ने का एक बार मौका मिलता है पूरी जिंदगी में। बोले जवानी में, अगर जवानी में जिसने अपने शरीर के ऊपर ध्यान दे लिया उसकी जिंदगी में कभी कष्ट नहीं आए, और जो जवानी में ही बिगड़ गया उसे कभी रोए आंसू नहीं आए, फिर क्या करोगे? जब जवानी में ही पाउडर लगाए के सड़कों पर चप्पल चटकाते रहोगे तो फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? नहीं करता Thank you.
जहां आए हैं जाना सबको है, और जब जाना जरूरी है तो फिर काय बजे मथा देख देख के मरे जाते थे तो जाइए। तो ऐसे बन के जियो जो तुम्हारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक नाम लेते रहे, आंसू आए, पशुओं की बातें आए, और ऐसी बेटी बन गए, तो ऐसे आने से भाई ने क्या हुआ ना आपकी कोई बड़ी गलती के मुसीबत उठाई, कोई भी न मरदार असरदार कतरदार समझदार जमींदार हवलदार सूबेदार तेजदार रिश्तेदार थानेदार पल्लेदार जितने थे दारदार वो सब चले गए, और जो रह गए वो भी चलना रहना किसी को। तो बूढ़े से पंडित जी पे बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया भक्त जी, भगवान ने देखा चिट्ठी लाने वाले पंडित जी तो रास्ता में सोई गए, योग माया द्वारा उन्हें उठवाया, द्वारिका में लिखवाया, पंडित जी की आंख खुल गई।